वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के मारवाड़ की जोधपुर लोकसभा सीट देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यहां ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से चुनावी मैदान में है। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने जोधपुर लोकसभा के पोखरण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार के दौरान खास बात की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, आपको सुनाते हैं। राजस्थान के मारवाड़ में जोधपुर लोकसभा काफी चर्चा में है। यहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार दो बार जीत की हैट्रिक दर्ज करने के बाद तीसरी बार फिर से चुनावी मैदान में, आइए बात करते हैं। सर, लगातार चिलचिलाती धूप में कैंपेन आप कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स है? पूरे देश में जिस तरह से मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साहपूर्ण वातावरण है, ठीक उसी तरह का उत्साहपूर्ण माहौल आज यहाँ पोखरण में भी और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी। बीते 10 साल में आपने विकास के कई काम किए, अब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो दिखाई भी दे रहे, तो किस तरह का रेस्पॉन्स लग रहा है? ठीक है, वो आप एक बार, मुझे लगता है कि इस विषय में मैं अगर खुद बात करूंगा वो उचित नहीं होगा। लोग संतुष्ट हैं, लोग अत्यंत सहृदयता के साथ में धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, आगे भी इसी तरह से अनेक काम अभी होने बाकी हैं जिन पर हम आगे जाके काम करेंगे। हर बार जब आप चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी बदलते जाते हैं, दो बार प्रत्याशी बदले, अब तीसरी बार भी बदला, इसकी वजह क्या है? मैं तो इतना कह सकता हूं कि चौथी बार भी बदलेगा, नया प्रत्याशी होगा। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका मानना है कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने बीते 10 साल में जो विकास के कार्य किए हैं उनकी बदौलत न केवल वो जनता के बीच जा रहे हैं बल्कि तीसरी बार भारी बहुमत से जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, DD News पोखरण, जोधपुर। और वहीं कांग्रेस महासचिव